सागर से पार कर नाव चल पड़ी। ये कितना अच्छा है ये भजन, पूरा भजन स्वामी जी का भजन गाया है, सब में संदेश है, एक एक भजन का मैसेज है लोगों के, भक्त लोगों के मैसेज है। इसलिए हम सब भजन पाठ करना, भजन ध्यान करना, भजन का हमेशा हम गाना, रोज भजन जप करना। लेकिन उसमें हर एक आदमी का एक एक मैसेज है। ऐसा स्वामी जी भजन किया है, हजारों भजन लिखा है, कुछ भाषाओं में लिखा है, दो तीन भाषा में लिखा है। भगवान का संदेश उसमें उपनिषद सार भी है, रामायण का सार है, भागवत का सार है, भगवत गीता का सार है। लेकिन उसमें श्रद्धा आप लगना, लगन करना, तुम्हारा मन यह पुस्तक पढ़ना और इंटरनेट में डाउनलोड करना, पढ़ना बार बार पढ़ना है, इसमें उपदेश है। संत महालोक, ज्ञानदेव, नामदेव, महाराष्ट्र संत लोग, गुजराती संत लोग, कन्नड़ संत लोग, तेलुगु संत लोग का इनका पूरा अभिप्राय उसमें बोधन किया है। भगवान श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में अर्जुन का बोधन किया, पूरा उपदेश सार स्वामी जी का भजन में है। और भगवती का पूरा भक्त, कौन भक्त लोग है, भगवती का भक्त लोग है, माँ का भक्त लोग है, उसमें संदेश, माँ संदेश है उसमें। हनुमान भक्त लोग के भी भजन है, माँ भक्त लोग भी भजन है, शिव भगवान का भक्त भजन है, श्री कृष्ण का, हर एक भजन में एक उपदेश है, एक संदेश है। द संदेश चुपचाप से रहता है, क्षण संदेश। बार बार आप पढ़ना, बार बार आप सुनना, बार बार अपने मन में लग्न करना उसमें, अब मालूम होता है। मैं तो क्या साधन है जीवन में, जीवन भर दुख का, सुख का, पैसा का है हमेशा। इसलिए एक छोटा समय मिलते उस समय पर आप सद्गुरु का बोधन सुनना है। इतनी तेलुगु में बहुत बात करता है स्वामी जी, वो तेलुगु में बात करने के समय पर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो सकता है, कुछ लोग करता है इंग्लिश। आप सब लोग का इंग्लिश मालूम है, इसलिए तेलुगु स्पीचेस भी, तेलुगु उपदेश भी आप सुना, वो तेलुगु में है क्या करना, ऐसा नहीं करना। हर एक सदगुरु का वॉइस, सदगुरु का शब्द हम कर्म से सुनना है, हमारे कर्म से उपदेश सुनना है, तो वॉइस उसमें भी शक्ति आ रहा है। और घर में हम प्ले करना है, भगवान दत्तात्रेय का भजन हमारा सदगुरु का वॉइस आवाज
हमारा घर में हमेशा होना है आवास, तुम सुनो नहीं तो सो, कोई बात नहीं सो, लेकिन आवाज हमेशा स्लो वॉइस में हमेशा गाना है। भगवद्गीता का है, भगवद्गीता का हर एक श्लोक हमारा घर में आवाज होना है। सब भूत प्रेत सब चोर के चलता है, तुम्हारा मन में भी भूत प्रेत का भी चल रहा चलता है वो आवाज सुन तो, चंचल भूत भी चलता है, निश्चल शक्ति होता है। किस जगह पर सत्संग होता है? सत्संग में आप जरूर सम्मिल होना है, पार्टिसिपेट होना है उसी समय वो सत्संग का। सत्संग से निसंग होता सकता है। हमारा संग जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन संग जीवन पाप का भी हो सकता है। संग जीवन होना सत्संग जीवन होना है। स्वामी बोल रहे हैं संग जीवन होना है, अच्छा संग जीवन होना है, लेकिन सत्संग का जीवन होना है। निसंग हो सकता है, कैसा निसंग हो सकता है? सत्संग से निसंग हो सकता है। निसंग का क्या निसंग है? भाई बंधु लोग छोड़ना है निसंग नहीं छोड़ना, लेकिन इनके गलती का विचार आप आपका मन में नहीं लाना। आपका झगड़ का विचार मन में नहीं आना, नहीं लाना। सुनना है हम ऐसा हुए तुम्हारा क्या भगवान आशीर्वाद करना, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध होना है। इसमें कोई आपका मन लग्न नहीं करना, उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके सत्संग पर करना। सत्संग से निसंग होता है, निसंग से निश्चल तत्व हो सकता है। आपका मन से जीवन, इसलिए किधर किधर सत्संग होया है हो रहा है इल्म होना है। उधर ढूंढना और जुख का हमारा जुख का नाक का आप सीखो। मन निश्चल हो सकता है, एक दिन निश्चल होता है, एक दिन का नहीं हो सकता, रोज करना साधना साधना साधना। हर एक रोज आप साधना करो, एक दिन जरूर तुम्हारा मन निश्चल हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। लेकिन लेजीनेस छोड़ना, हम सब लोग लेजी है, खाना खाने के बाद सोना है, लेजी है। इसके ज्ञान का शक्ति दिमाग में, मेमोरी का शक्ति वो सब मरता है। मेमोरी इसलिए रोज आप सुनो भगवद्गीता श्लोक, रोज एक ना एक रोज भगवद्गीता श्लोक आप पढ़ सकता है।
इसमें कोई कष्ट नहीं है। भक्ति, विश्वास और प्यार भगवान के पास रखना। हम सब, हमारा लोग प्यार है, बहुत अच्छी प्यार है। वो प्यार लोगों के लिए हो सकता है, वो लोगों के लिए प्यार हो तो वो लाइट होता है, करछा होता है। लेकिन वो प्यार भगवान पर रखो, हमारा दिमाग पर। लेकिन हमारा बात, हमारा एक्शंस, क्रिया, कर्म, लोगों से साथ साथ रहना, ऐसा नाटक करना है, घर में भी करना, लेकिन हमारा मन में भगवान का प्रतिष्ठ करना। दत्त भगवान का प्रतिष्ठ करो, तुम्हारा जो इच्छा है, भगवान भगवती है, श्री कृष्ण है, गुरुदेव है, प्रार्थना करो। एक ही हमारा पास आ रहा है, एक ही स्नेह है, चला सख्या, सखा, भगवान सखा रूप से है, ये जो उत्तम फ्रेंड है हमारा, उत्तम एडवाइजर है, बहुत अच्छा एडवाइजर है हमारा गुरु। इसका लिए मन में प्रतिष्ठा करो, बाकी विचार छोड़ो, बाकी विचार पूरा नाटक करो, लेकिन सत्य नाटक ट्रुथ ढूंढो। हमेशा मन में शांति से रहो, मन में प्रतिष्ठा करो सद्गुरु का। अपने आप सद्गुरु भोजन हमारा मन में आ रहा है। एक दिन हमारा पाप पूरा जलता है, जलना, नाश होना है हमारा पाप। बहुत हम पाप किया है, दिमाग से, क्रिया से हम किया है, लेकिन मन में भी पाप किया है। लेकिन फिजिकल पाप क्षमा कर सकता है, मन का पाप क्षमा नहीं कर सकता। इसके लिए शिक्षा है, इसलिए मन में पाप नहीं करना। फिजिकल हो तो फिजिकल भी माफ कर सकता है, एक्सक्यूज कर सकता है भगवान। लेकिन मन का कोई गलती किया है, पाप किया है, इसके माफ नहीं करता भगवान। इसके शिक्षा जरूर होना है। ऐसा पूरा भगवद गीता का सार है। इसलिए मन का पाप नहीं करना, तो कैसा कंट्रोल करना मन का पाप। इसलिए मन में हमेशा भगवान का चिंता रहो, पाप नहीं हो सकता। भरो, बिजी हो, भगवान विचार का हमारा दिमाग बिजी करो। दूसरा चिंता उसमें आना नहीं है, आती भी नहीं है, चले जाता है, लेकिन बिजी है। बहुत लोग पूछ रहा है मेरे से, स्वामी जी मेरा स्वप्न में नहीं आया आप। मैं एक बार आया है, देखा है, तू सो रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग में बहुत गलीज है, दिमाग में हम पाप है, मेरा से ज्यादा नहीं है तुम्हारा मन में स्वप्न से आने के लिए। तुम्हारा मन हमेशा दुख है, गलती है, वो जगह नहीं है, तुम्हारा घर में जगह नहीं है, इसलिए मैं वापस आ रहा हूं। मेरा लिए जगह होना है उधर। शुद्ध सरल स्वभाव से रखो तुम्हारा घर, मन घर का। आप भी स्वामी जी आ सकता है, तुम्हारा स्वप्न में भी आ सकता है, प्रत्यक्ष में भी आ सकता है, नहीं तो तुम्हारा मन बिजी तो कैसा मैं आऊंगा। मेरा लिए जागरण होना है,
इसलिए मेरे लिए जागा करना है आप। एक घर है, घर का सब कुर्सी खाली नहीं है, सब लोग बैठा है कुर्सी में, मैं किधर किधर बैठना। जगह भी फ्लोर भी बड़ हो गया है, चंचल स्वभाव का, पाप स्वभाव का, दुख स्वभाव का है, बोरा बोरा भर होया है। मैं इंटर वच्चू चूस्ते अंत अन्नी भर्ती उर्जी भर्ती उमकाल भर्ती उपेट भर्ती उच्चो वापस वे मैं लेकिन गलीज बैठ गलीज रा शुद्धम क्लीन ऐसी वस्ता नैन तुम्हारा मन क्लीन होना है, उसी समय पर स्वामी जी जरूर तुम्हारा स्वप्न में स्वप्न दर्शन करता है, जरूर देंगे। गलीज हो तो वो आने का मुश्किल है, दर्शन देने का भी मुश्किल होता है। अच्छी शुद्ध करो, थाली अच्छी तरह दो और दूध उसमें डालो, दूध भी अच्छा होता है। थाली अच्छी नहीं हो तो दूध डालो, दूध क्या होता है, खराब होता है। ऐसा तुम्हारा मन थाली शुद्ध से हो तो जरूर उसमें नी पात्र शुद्ध उठे दांट्लो पाल वेस्ते एम का काचिपेड़ते अदेम का नी पात्र शुद्ध लेकिन दांट्लोने पाल वेसी कास्ते पाल चढ़ खराब होता है, दूध खराब होता है। इसलिए दूध अच्छी कवा बनाना है, अच्छी मिठाई बनाना है। अच्छी मिठाई बनाने के लिए पहले तुम्हारा थाली क्लीन करना, शुद्ध करना, शुद्ध करके दूध डालो उसमें और अग्नि करो गैस में, अच्छी होता है। बागन शुद्ध चेसिपेट्टि पाल पोसी कवा बागा अवुतुंदि, तिनटानिकि बागा उंटुंदि, लेकपोते चेडिपोतुंदि, पाल पगिलिपोतायि, खराब होता है। इसलिए सद्गुरु हमेशा दूध है, तुम्हारा मन थाली है, तो तुम्हारा मन क्लीन करो। सद्गुरु का दूध स्वभाव तुम्हारा मन में आता है और पक्का करो, तो चिंता करो, मंथन करो, पकाओ अग्नि से पकाओ। अंत में मिठाई मिलता है, अंत में आंसर मिलता है। ऐसे वेरी इजी टू दिस फेनोमेना, बट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस। छोटा 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 से आप चिंता करना है। बाग उठे कदा मे वैसा लो मे मनस्स बागम उठे प्रशांत से स्वामी जी तुम्हारा दिमाग पर बैठ करके मार्गदर्शन करता है। तुम्हारा दिमाग हमेशा खराब है, काम क्रोध लोभ मोह मद माचर्य से बोर है, गलीज। मन का चिंता कैसा हो सकता है, आपका दर्शन कैसा हो सकता है, सदगुरु बोधन कैसा सुनता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमारा दत्त भगवान हमेशा इनका बोधन में, इनका उपदेश में, पहले मन शुद्ध करो,
अशांति से शांति से भगवान नाम जप करो, दुख से नहीं है। आप शरीर से जोड़ता है भक्ति, मेरा लिए ऐसा हो गया, मेरा बेटी ऐसा हो गया, मेरा शरीर में ऐसा हो गया, ये दर्द है वो दर्द है, भगवान भगवान रोज में पूजा करते हैं, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारा शरीर पर तुम्हारा संसार पर हो सकता है, लेकिन उसमें रिजल्ट नहीं हो सकता। ओनली टाइम वेस्ट, आप टाइम वेस्ट। साइम समय वर्धन होता है, इसलिए मन का शुद्ध करके भगवान का पूजा, छोटा एक एक फल एक पुष्प डालो, एक नमस्कार करो बस, अच्छी तरह भगवान आशीर्वाद देता है। ఒక్క పుష్పం పెట్టండి, ఒక ఫలం పెట్టండి, ఫలం పుష్పం తోయం, ఫలం హమారా మన్ హై, ఫలం పుష్పం హమారా బుద్ధి హై, తోయం హమారా ఆనంద భాష్మ కా తోయం హై, భగవాన్ కా తీన్ కా ఇచ్ఛా హై, ఫలం పుష్పం తోయం, पत्रम पत्रम शरीर का है, मन का पल पल है, शरीर का पत्र है, बिल पत्र है, तुलसी पत्र है, मन का पल है, बुद्धि का पुष्प है, तो यम आनंद बाष्प है, जो आनंद होता है भगवान के पास आने के समय पर, वो शुद्ध जल है, शुद्ध गंगा जल है, शुद्ध गंगा जल हमेशा इधर से आना है। सब लोग इधर से आता है, ये दुख का पाप का जल है, रोता है ना, दुख से रोता है ना, ये जल इधर ही आता है, इसका टेम्परेचर भी है, लेकिन इससे आ रहा है, ये टेम्परेचर नहीं है और आनंद बाष्प है, इसलिए हमेशा आनंद भाषण से हमारा मन का फल समर्पण करना भगवान का, हमारा बुद्धि पुष्प समर्पण करना, हमारा शरीर पत्र समर्पण करना भगवान का। भगवद्गीता पूरा यह बोल रहा है, फलम पुष्पम पत्रम तोयम, भक्तिया यद भक्तिया, भगवान का भक्त करना, भक्ति से आप प्रार्थना करो बस, वो फूल नहीं ला सकता, वो पल नहीं ला रख सकता, वो उपचार का है, पल पुष्प लाता ही उपचार होता है, लेकिन हमारा शरीर से पूरा ये तीनों एक्शंस तीनों क्रिया करके भगवान प्रार्थना करो, तुम्हारा क्या होता है वो देता है, लेकिन इन दिन सुख का छोड़ो बस, आई एम अलोन अलोन, वही अलोन, आई डोंट अंडरस्टैंड, भगवान है हमेशा तुम्हारा पास, तुम्हारा गुरु है, कितने लोग लाखों लाखों लोग अलोन अलोन है, वो जीवन करते हैं सब लोग, वो सब लोग अच्छा है, तो ये क्या है ऐसा, सिक्योरिटी कौन, सिक्योरिटी कौन से कौन से सिक्योरिटी, भगवान है हमारा पास, हमारा सदगुरु है ना साथ साथ, कितने लोग अलग अलग है, एंतमंदि उन्नारु अट्ला अट्ला चूस्ते उंटि उंटिगा उन्नारु अंदरु बतकटाने वाळ्ळंता कूडा, वो सब लोग जीवन करता है, डोंट से व्हाट वाज द अलोन, आई डोंट अंडरस्टैंड, वही अलोन, तुम्हारा दर्द तू अनुभव करना है, तुम्हारा पार्टनर नहीं अनुभव करता, तुम्हारा दर्द हो तो तू भी अनुभव करना है, इसलिए तुम्हारा मन में भगवान है, तुम्हारा
हमारा पार्टनर्स नहीं है, उनका अपना स्वयं स्वयं उनका कष्ट है, हमारा कष्ट हम अनुभव करना है। वो लेता नहीं है, वो बांटता नहीं है, बांटने का बहुत मुश्किल है। मन कष्ट इनको तीसको, मन कष्ट मन अभवाले మన డాక్టర్ కూడా చెప్తారు కొంచెం తట్టుకో కొంచెం తట్టుకో కొంచెం తట్టుకో సరిపోతుంది అంటారు, ఆయన కూడా తీసుకోడు, డాక్టర్ కూడా తీసుకోడు, మన కష్టం మనమే అనుభవించాలా। సో మనక శాంతి శిరహో, మనక శుద్ధి శిరకో, భగవాన్ తుమార మన బంతా హై, డోంట్ नहीं ढूंढना, ये हमारा स्नेहक है, ये हमारा पार्टनर है, ये हमारा पार्टनर है, भगवान तुम्हारा पार्टनर है, सदगुरु तुम्हारा पार्टनर है। मनुष्य लोग पार्टनर नहीं है। इसी प्रकार आज का मन शुद्ध करके कल हमारा आश्रम में बहुत अच्छी दिन है, नरसिंह सरस्वती का जयंती है, दत्तावतार मूर्ति का जयंती, कितने अच्छी दिन मिला है, भूमि पूजन हो रहा है, सब भाग ले वो, सब योगदान संयोग करो सब लोग। अंदर रेपु मन चेरकोनी भूमि पूज चेस्तां, ओम चेसुकुंदां, తొందరగా గురునిలయం కట్టుకుంటే తొందరగా రావచ్చు। అదేంటో గురునిలయం చేంజ్ అవుతూనే ఉంది, గంట గంటకు గంట గంటకు, అదేమవుతుందో తెలియదు, అంతా మాయ, అంతా మాయగా జరుగుతున్నది। ఒక్కొక్క గంటకు డ్రాయింగ్ చేంజ్ అవుతానే ఉంది, అది ఎప్పుడు సరిపోతుందో తెలియదు, సరిపోతుంది ఒకరోజు సరిపోతుంది, సరిపోకుంటుంది కదా, స్వామీజీ రావటానికి అన్ని చేసుకుంటున్నాను అంతేగాని ఏదో బాగుంటుంది వస్తే సహ్యాద్రి ఆశ్రమే, సహ్యాద్రి ఆశ్రమం వాన వచ్చేటప్పుడు రావాలని చాలా ఇష్టం నాకు, బాగా ఉంటుంది, చలిగా ఉంటుంది అయినప్పటికీ వచ్చి ఉండాలని ఆశగా ఉంది। ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో ప్రతి మంత్లీ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు నాకు వాళ్ళు లేచి నిల్చుంటే ఉంటే రాండి, ఈయన పై దిగా పుడుతుంది, ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక ఛానల్ హెచ్డి టీవీ, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ హెచ్డి టీవీ।